हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप लोगों का आज एग्जाम हो गया होगा, तो आपके एग्जाम में वो सारे प्रश्न पूछे गए जो मैंने गेस्ट क्वेश्चंस में दिया था। आई होप कि आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, लिखा भी होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। चलिए, आज जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको देख भी लेते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ये मैंने गेस किया था। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश ड्रामा, ये भी गेस में था। डिस्कस द कॉमन थीम्स ऑफ राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लैंड, ये भी था। डिस्कस अलेक्जेंडर पोप एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, यहां राइटर्स होना चाहिए, मिस्टेक है। डिस्कस अलेक्जेंडर पोप एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी, ये गेस में था। राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ ऑगस्टन पोएट्री, ये भी दिया गया था। इवेल्युएट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ये भी किया हुआ था। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो मैंने गेस में दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रेप ऑफ द लॉक एज एन एक्सलेंट पीस ऑफ सोशल सटायर, और हाउ डज द रेप ऑफ द लॉक रिफ्लेक्ट द 18th सेंचुरी सोसाइटी। तो ये दोनों जो है सेम ही क्वेश्चन है, इसे आप एज अ मॉक हीरोइक पोएम के तौर पे आप इसे लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्कूल फॉर स्कैंडल डज द रिविलेशन ऑफ ट्रूथ एंड डिस्पेलिंग ऑफ र्यूमर्स lead to positive or negative outcome? What moral do you think Sheridan means to convey about truth? Or मैंने guess किया था, give a character sketch of Charles Surface or Joseph Surface. ठीक है, तो ये आ ही गया। और critically examine the poem The Lamb by William Blake, तो one of the poems पूछा ही है। चलिए हम लोग objective type questions के सही answers देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द 18th सेंचुरी इज पॉपुलरली नोन एज द एज ऑफ, ऑप्शन सी प्रोज एंड रीजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 3, मैथ्यू अर्नल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज, ये भी जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने दिए थे लगभग 9 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए गए हैं, ठीक है, एकाध क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो थर्ड नंबर भी गेस में था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द एज ऑफ प्रोज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द पोएम, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, इट टर्न्ड इनटू अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देखते हैं, व्हाट डज थैलेस्ट्रस थिंक द बैरॉन विल डू विद द लॉक, इसका ऑप्शन डी होगा, यानी ए और बी दोनों मिलाकर होगा, सो बोथ ऑफ द अबव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज बेलिंडा वेयर अराउंड हर नेक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और बताया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और इसके ऊपर वाला भी था, ऑप्शन ए क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द स्कूल फॉर स्कैंडल, ऑप्शन डी 5, यह भी क्वेश्चन मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु डज लेडी स्नेरवेल लव, ऑप्शन ए चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 9, विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन लंडन, तो क्वेश्चन नंबर 8 बताया हुआ था, यह 9 जो था यह आप अगर विलियम ब्लेक के बारे में पढ़े होंगे और पोएट्री में देखा होगा तो उसमें आंसर था ये ऑप्शन बी लंडन। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द लैम्ब रिप्रेजेंट मोस्ट, ऑप्शन ए इनोसेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने सही लिखा होगा। चलिए, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से आप नंबर लेकर आए और इसी तरीके से वीडियोज देखते रहें, और मैं आपको अश्योर करता हूं कि सेमेस्टर 4 में भी आपके लिए जबरदस्त वीडियोस में लाऊंगा और आप तैयारी आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए, बाय बाय।